हेलो गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल राजीव डॉट रजी में स्वागत है गाइस। गाइस आज मैं बनाने के लिए जा रही हूँ इंडियन पोटैटो रेसिपीज। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। गाइज आज मैं बनाने के लिए जा रही हूँ इंडियन स्टाइल में पोटैटो रेसिपीज। आप सब मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। गाइज इधर मेरी पैन गरम हो चुकी है, मैं इसमें ऑयल डालती हूँ। अब मैं इसमें आधी चम्मच जीरा डाल रही हूँ। और अब मैं इसमें तेज पत्ता डाल रही हूँ। अब मैं चॉप किया हुआ प्याज डाल रही हूँ गाइस, और इसे मैं ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। गाइस अब मैं इसमें हरी मिर्च डाल रही हूँ, कूटा हुआ है वो। और इधर देखिए मैं अदरक यूज़ कर रही हूँ, अदरक ये भी कूटा हुआ है, खड़ा है। और ये है लहसुन, वो भी मैंने कूट कर ही लिया है। अब इसे मैं 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेती हूँ अच्छे से, लहसुन को, जिंजर गार्लिक पेस्ट को। गाइस
गाइस आप देख सकते हैं मेरी प्याज जो है अच्छे से फ्राई हो चुकी है और अब मैं इसमें मसाला डाल रही हूँ। यह हल्दी पाउडर उसे भी मैं आधी चम्मच ले रही हूँ। यह है जीरा पाउडर इसे भी मैं आधी चम्मच ले रही हूँ। यह है धनिया पाउडर ये भी मैं आधी चम्मच ले रही हूँ इसे भी मैं आधी चम्मच ऐड की हूँ। और इधर गाइज काली मिर्च पाउडर है ये भी मैं आधी चम्मच ली हूँ। रुक जाए गुड़िया गड़बड़ गाइज। ये है कश्मीरी मिर्च पाउडर इसे भी मैं आधी चम्मच ली हूँ। गाइज ये है सब्जी मसाला उसे भी मैं आधी चम्मच ऐड की हूँ। अब इन मसालों को मैं दो मिनट तक धीमी फ्लेम पे फ्राई करूंगी। अब मैं इसमें थोड़ी सी पानी ऐड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरा मसाला जो है अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगी। गाइस ये देखिए टमाटर का पेस्ट है। गाइस अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। मैं मसालों को अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर ले रही हूँ गाइस। उसके बाद मैं इसमें अब आलू ऐड करूँगी। अब मैं इसमें आलू ऐड कर रही हूँ। आलू को मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था। आलू को भी 2 से 3 मिनट तक गाइस मैं फ्राई कर लेती हूँ। और इसमें मैं मटर भी ऐड करूँगी। पोटैटो रेसिपीज रेडी हो चुकी है। मैं इसमें धनिया पत्ता ऐड कर रही हूँ। गाइज मेरी पोटैटो रेसिपीज़ रेडी हो चुकी है। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए गाइज। गाइज मिलते हैं आप एक नए ब्लॉग में नए रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।